कितने मोबाइल्स इनसे बरामद किए और आरोपी कितने गिरफ्तार हुए? जो दरगाह के अंदर हमारा अभी मिनी उर्स है वो आज से शुरू हो रहा है, इसको देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतते हुए जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, जो होटल हैं, उनकी सर्चिंग की जा रही थी। और इसी दौरान हमने एक यूपी की गैंग पकड़ी है जिनमें 5 मेंबर हैं और जिनके कब्जे से 44 मोबाइल है वो बरामद हुए हैं, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हैं। हमारी जो टीमें हैं वो पूरे दरगाह एरिया के अंदर सिविल में लगी हुई है और यूनिफॉर्म के अंदर भी लगातार निगरानी रख रही है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और जिसमें 44 मोबाइल है ये बरामद हुए। मेरा जो जायरीन आ रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपने जो सामान हैं उसका थोड़ा ध्यान रखें और अगर किसी तरह का अगर कोई उनकी पिक पॉकेटिंग करता है या कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ लगता है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि ऐसे बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। सर, इनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में भी है और कब अजमेर पहुंचे थे ये और कब से भी वारदातों को कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी अभी मिली पूछताछ में? अभी पूछताछ से वो कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब हर बार जो त्यौहार होते हैं या कोई मेले होते हैं तो ये गैंगें हैं वो सक्रिय हो जाती है और उस इलाके के अंदर जाती है और वहाँ वारदात करके वारदात के बाद में जो सामान है वो लेकर के अपने गृह स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहा है। ये दरगाह के अंदर ही वारदात करते हैं या बाहर भी कर रहे थे? इनका जो दरगाह एरिया है जिसमें दरगाह के अंदर भी है और दरगाह के बाहर भी, क्योंकि क्राउड ज़्यादा रहती है तो इनके लिए सहूलियत रहती है, तो हमारे भी सिविल के अंदर जाप्ता है वो रहता है और इसी वजह से ये हमारे पकड़ में है। कितने लोगों का गैंग है? अभी 5 लोग हैं वो पकड़ में आए हैं जिनके पास से 44 मोबाइल है वो बरामद हुए। कोई इनका मुखिया भी है क्या? सजना अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और कि ये पहले कब कब आए हैं और इन्होंने कौन कौन सी वारदातें और की है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित थानों से भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये खाली मोबाइल ही चुराते हैं या अन्य चीजें भी, जैसे चेन स्नैचिंग करना या कोई पर्स वर्स चुराना? नहीं, अभी इनके पास से मोबाइल ही बरामद हुए हैं, चेन वगैरह बरामद। यूपी में किस जगह गए? चोरी करने वाले हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले हैं? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये आगे ले जाकर के किनको मोबाइल बेचते, उनके गैंग में और कौन शामिल हैं और इनका मुखिया कौन है। ये एक ही गैंग है या इसमें कि एक ही परिवार के लोग हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। यूपी में किस जगह गए?